हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑन बायोमोलिक्यूल्स और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग बिहेवियर। तो आओ सीखते हैं दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन रिड्यूसिंग बिहेवियर। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट on the basis of reducing behavior. On the basis of reducing behavior, carbohydrates are classified into two types. One is reducing sugar. One is reducing sugar and the second one is non-reducing sugar. Reducing sugar and non-reducing sugar. The carbohydrate which are capable to reduce tollens reagent and Fehling solutions are called as reducing sugar. इज कॉल्ड एज वॉट रिड्यूसिंग sugar. तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेंस रिएजेंट और Fehling solution को रिड्यूस करते हैं, इन्हीं कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग sugar. अब ये टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, Fehling solution क्या होता है, अभी में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो रिड्यूसिंग sugar का बच्चा सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ऑल मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग sugar. Except sucrose molecule. So all monosaccharide disaccharides are reducing sugar except sucrose. तो ग्लूकोज इज वॉट मोनोसेकेराइड, इट इज अ रिड्यूसिंग sugar. माल्टोज इज अ बच्चा, इट इज डाइसेकेराइड. लैक्टोज इज ऑल्सो डाइसेकेराइड, दे आर रिड्यूसिंग sugar. मतलब दे आर कैपेबल टू रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड Fehling solution. तो द कार्बोहाइड्रेट विच आर कैपेबल टू रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड Fehling solution, दे आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग sugar. ऑल मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज आर रिड्यूसिंग sugar. एग्जाम्पल वी हैव रिटन दैट इज ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज. माल्टोज लैक्टोज क्या है आपके, डाइसेकेराइड है. ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड. नॉन रिड्यूसिंग sugar, इसका अपोजिट the carbohydrate which do not capable to reduce Fehling solution and tollens reagent are called as non-reducing sugar. इसका example है बच्चा लोग, that is what sucrose is nothing but a non-reducing sugar.
नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो दिस इज माय थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग बिहेवियर। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। द कार्बोहाइड्रेट विच आर कैपेबल टू रिड्यूस टोलन्स रिएजेंट फेलिंग सोल्यूशन आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज दे आर रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल ग्लूकोज माल्टोज लैक्टोज। माल्टोज एंड लैक्टोज आर डाइसेकेराइड एंड ग्लूकोज आर नथिंग बट इट इज मोनोसेकेराइड्स। नॉन रिड्यूसिंग शुगर द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट कैपेबल टू रिड्यूस टोलन्स रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन आर कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज। एग्जाम्पल क्या बच्चा? सुक्रोज। अब हम आगे देखने वाले ये किस तरह रिड्यूस करते, हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस दीज कार्बोहाइड्रेट विथ टोलन्स रिएजेंट। तो बच्चा लोग देखते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये किस तरह टोलन्स रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। इसके पहले रिएक्शन देखने से पहले लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय फेलिंग सोल्यूशन एंड टोलन्स रिएजेंट। बच्चे लोग फेलिंग सोल्यूशन जो होता है ना, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फेलिंग ए एंड फेलिंग बी सोल्यूशन। तो इट इज ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? फेलिंग ए सोल्यूशन एंड फेलिंग बी सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी। ये जो फेलिंग ए होता है इट इज़ अ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड एज फेलिंग ए सोल्यूशन एंड सोडियम पोटेशियम टार्टरेट इन NaOH इज अ फेलिंग बी सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 इज कॉल्ड एज फेलिंग सोल्यूशन ए। फेलिंग बी का मतलब होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट इन NaOH, इन NaOH। ये दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर दोगे ना बच्चा, तो यू विल गेट अ फेलिंग सोल्यूशन। तो फाइनली द फेलिंग सोल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है ना, मैं रिएक्शन में ऐसा लिखूंगा 2 Cu+2 + 5 OH-। मेरा जो सेकेंड टर्म्स था दैट इज व्हाट? टोलन्स रिएजेंट। टोलन्स रिएजेंट इज नथिंग बट टोलन्स रिएजेंट। टोलन्स रिएजेंट इज नथिंग बट इट इज अ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड एज टोलन्स रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इज नथिंग बट वॉट? टोलन्स रिएजेंट। इसका जो बच्चा फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं 2AgNH3 2 times OH-। ये फॉर्मूला होता है टोलन्स रिएजेंट का, राइट? नाउ तो लेट अस सी बच्चा लोग हाउ दीज रिएजेंट्स रिएक्ट्स विथ अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो आई टेक एन अल्डिहाइड हियर, अल्डिहाइड RC(OH) रिएक्ट्स विथ टोलन्स रिएजेंट बच्चा दैट इज 2 Cu+2 2 Cu+2 aqueous + 5 OH- एंड दिस इज ऑल्सो इन aqueous। वार्म करते हैं इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन मिक्सचर को, लिटिल बिट वार्म इट। सो
इट फॉर्म्स आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस सी यू टू ओ प्लस एच टू ओ. लेट अस बैलेंस हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर, 5 and 1 6. तो यू जस्ट मल्टीप्लाई हियर 3. नाउ लेट अस चेक द हाउ द चेंज अकर्स. यदि मैं एल्डिहाइड की बात करूं इस कंपाउंड में, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब इट अंडरगो व्हाट, ऑक्सीडेशन. इट इज अंडरगोइंग व्हाट, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन. जब ये ऑक्सीडेशन में जा रहा है बच्चा लोग, तो इट बिहेव लाइक व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट. क्या बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट. इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ प्लस टू है, और इस केस में यदि आप देखते हो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो 2 × x − 2 = what 0. 2x = क्या होगा? 2. x = क्या आएगा बच्चा? +1. तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में कितना है? +1. +2 से +1 में जा रहा है. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज बच्चा लोग रिडक्शन. इट इज एक्ट एज अ इट इज व्हाट रिडक्शन प्रोसेस. इट इज व्हाट रिडक्शन. जब ये रिडक्शन में जा रहा है तो इट बिहेव लाइक व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट एक्ट एज ए व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो फेलिंग सॉल्यूशन टोलन्स रिएजेंट बिहेव लाइक व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड दिस इज योर अ कंपाउंड. विच कंपाउंड? कार्बोहाइड्रेट विच हैज व्हाट? एल्डिहाइड. Aldehyde group. How will you define carbohydrate which has aldehyde? It's a polyhydroxyaldehyde. ये कोई compound है? That is what? Polyhydroxyaldehyde. It may polyhydroxy ketone which reacts with a tollens reagent to form carboxylic acid. Cuprous oxide. This is called as what? It's a precipitate. Cuprous oxide. And the color of the precipitate is bacha red, brick red, brick red precipitate, brick red PPT. And formation of brick red precipitate indicate presence of carbohydrate, right? So a polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone which reacts with Fehling solution to form carboxylic acid, cuprous oxide and water molecule. In this case, this RC double bond OH that is behaving like what? Reducing agent. And your Fehling solution act as a oxidizing agent. What is pH bacha or pH ke? Polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone. Let us see with Tollens reagent. RC double bond OH. I take bacha Tollens reagent is nothing but 2AgNH3. How many times? 2 times OH minus. इसको भी हम लोग क्या करते हैं? वार्म करते हैं. Aldehyde get oxidized. RC double bond OOH बन जाएगा. सिल्वर गेट प्रेसिपिटेटेड टू, तो 2Ag इसका प्रेसिपिटेट बनेगा. प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट. इट इज फॉर्मिंग 4NH3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2O. लेट्स बैलेंस द ऑक्सीजन. हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर बच्चा लोग? यहाँ कितना है? 2 और 1 3. यहाँ कितना मैंने यूज कर लिया है? 2. और यहां एक ऑक्सीजन है, तो यू जस्ट मल्टीप्लाई हियर 2.
तो इफ यू सी हियर aldehyde गेटिंग ऑक्सीडाइज, aldehyde इज गेटिंग ऑक्सीडाइज तो ऑक्सीडेशन, तो aldehyde विल बिहेव लाइक वॉट योर रिड्यूसिंग एजेंट. दिस सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट यदि आप निकालते हो तो वॉट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर इन दिस कंपाउंड. देखो ये OH के ऊपर चार्ज कितना है, माइनस वन. कितना है बच्चा, माइनस वन. तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, प्लस वन. दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन, दिस इज काउंटर आयन. तो इस पे चार्ज कितना आएगा, प्लस वन. ये अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड है. तो टू इंटू जीरो हो जाएगा, तो जीरो. एक्स इक्वल टू कितना आएगा, प्लस वन. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन से क्या जा रहा है, जीरो में जा रहा है. प्लस वन से जीरो में चेंज हो रहा है. प्लस वन से जीरो मतलब क्या, इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. जब डिक्रीज हो रहा है तो ये रिडक्शन हो गया. रिडक्शन है मतलब दिस रिएजेंट विल एक्ट एज अ व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सिमिलर वे राइट, तो दिस योर aldehyde मे बी, दिस aldehyde मे बी योर पी एच ए और पी एच के, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. आइदर पी एच ए हो सकता है और पी एच के. तो इफ यू सी द रिएक्शन, योर कार्बोहाइड्रेट इज नॉट शोइंग विच प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. क्या, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. तो हम लोगों ने देखा बच्चा लोग, दैट इज स्टोलन्स रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन, हाउ दिस स्टोलन्स रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन रिएक्ट्स विथ योर पी एच ए एंड पी एच के.